देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं झाजा से वीरेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जमुई। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएफ लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहा है अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे। आप देखते होंगे आए दिन चौक चौराहे पे जाम का मजमा लगा हुआ रहता है, चाहे वो मछली चौक हो चाहे वो स्टेट बैंक का चौक। स्टेट बैंक का चौक तो पटना का एक तरह से कह सकते हैं कि वो डाक बंगला चौराहा बन गया है, प्रत्येक दिन जाम रहा था। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे। सर, आज जो आज आपने अतिक्रमण चलाया सर आरपीएफ के सहयोग से, क्या मामला था सर? मामला था ये चौक चौराहे पर जैसे ठेला वाला लगाते हैं जिसमें से गाड़ियाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है जी। हम लोग ऐसे आकर के बोलते हैं, ये लोग नहीं, अकेले हमारे कहने से ये लोग सुनते नहीं, बिना प्रशासन के सहयोग का कुछ नहीं होता सर जी। इसीलिए आरपीएफ को बोल करके इन लोग के साथ में लेकर के आज पूरा हटाया गया। अब फिर अतिक्रमणकारी लगाएंगे तो क्या करवाई हम लोग फिर दोबारा करेंगे, और कोई चारा नहीं हम लोग के साथ, दोबारा फिर रिपीट करेंगे तो आप कितना दिन यही करेंगे दोबारा अगर ऐसे फिर। रेल प्रशासन का सीधा कहना है कि अगर अतिक्रमणकारी फिर से अतिक्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। हम बात करना चाहेंगे आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब से कछवा जी। सर, आप जो आज ऑपरेशन चला सर, मकसद क्या था? देखिए, हम लोग जो स्थानीय जनता है, यहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, सब लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनका शिकायत मिलता है तो उसके ऊपर हम लोग IOW के सहयोग से हम लोग अतिक्रमण को मुक्त कराते हैं। और चूँकि ये बाद नहीं आते हैं अपने कामों से जी जी, तो इनका हम लोग भरकर प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास बल और समय दोनों का थोड़ा समय समय पे हम लोग कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे जी जी। ये सब लोग समझ जाएं कि अतिक्रमण को कहीं पे हम लोग रहने नहीं देंगे। धन्यवाद। एक टूक आरपीएफ इंस्पेक्टर आरके कुशवाहा जी का कि अतिक्रमण हम किसी कीमत पर रहने नहीं देंगे, ये आम जनता के लिए राहत की बात कही जा सकती है जिनकी गाड़ियाँ आम आए दिन जाम में फंसती है। दैनिक लाइव 24 के लिए झाजा से वीरेंद्र कुमार की एक खास। आरपीएफ की मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों, आप सबों को। एक्चुअली रेल हमेशा रेल सुरक्षा जो प्रहरी हैं वो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, बशर्ते आपको भी कोऑपरेट करने की जरूरत है। जहाँ तक अभी आपने सीधा सुना आरके साहब को, इन्होंने कहा कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अतिक्रमणकारी चेतते हैं या नहीं चेतते हैं। नहीं चेतेंगे निश्चित रूप से रेल उस पर कड़ी कार्रवाई करने का भरसक प्रयास करेगी।